हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या कम है, मेडिकल एजुकेशन में भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं, कहीं पर डॉक्टर सरकारी अस्पताल में 60 साल में रिटायर हो जाता है, कहीं पर 62 साल में रिटायर हो जाता है और हमें डॉक्टर की कमी महसूस होती है। अगर देश में पहले ही ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने होते, पहले ही ज्यादा डॉक्टर तैयार हो गए होते तो आज डॉक्टरों की कमी नहीं पड़ती। 2 साल के भीतर भीतर डॉक्टर बनाना तो मुश्किल काम है, लेकिन गरीब परिवारों को डॉक्टरों के बिना रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैं आज उत्तर प्रदेश की धरती से देशवासियों के लिए घोषणा करना चाहता हूं कि आज डॉक्टरों की जो सरकारी अस्पतालों में है उनकी रिटायरमेंट की उम्र कहीं 60 साल है, कहीं 62 साल है। इसी सप्ताह हमारी सरकार की कैबिनेट निर्णय करेगी और उसके बाद अब डॉक्टरों की रिटायर होने की एज 60-62 के बजाय राज्य हो या भारत सरकार हो सबके लिए 65 उम्र कर दी जाएगी, 65 कर दी जाएगी, ताकि हमारे डॉक्टरों की सेवा अधिक समय तक शिक्षा के लिए सरकारी अस्पतालों के मिलते रहे। और जब तक नए डॉक्टर तैयार होते हैं, नई कॉलेज तैयार होती है, जिसका काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है, इस काम को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।